सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने एड के खिलाफ कम्प्लेन केस दर्ज कराया है। पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक डायरेक्टर देव दत्त झा पर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर ईडी कोर्ट में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। यह केस न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में दर्ज कराया गया है। इस मामले को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। बता दें कि बरहड़वा टोल केस मामले में 22 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। इस मामले में पंकज मिश्रा का कहना है कि ईडी के चार्जशीट में तथ्यों को छुपाया गया। इस मामले के सुपरविजन में पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष पाया गया था और न्यायालय ने उनके खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था। इसी को आधार बनाकर पंकज मिश्रा ने यह केस दर्ज कराया है। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में आरोपी है। ईडी ने पहले शरफुद्दीन खान का बयान दर्ज किया था और वह एड का गवाह है। एड को संदेह है कि इस मामले में पुलिस एफआईआर को कमजोर करके पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। ध्यान रहे कि दुमका रेंज के डीआईजी ने एड की आशंका को खारिज करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंकज मिश्रा को दो मामलों में क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि आरोप साबित नहीं हो सके थे। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने रांची एड के सहायक डायरेक्टर देव दत्त झा के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में पंकज मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कई जानकारी छिपाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।